यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग लगाने वाले हैं 2x2 की टाइल्स, और बाकी हम लोगों ने यहाँ पे लगा चुके हैं। और हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में दिखाया था कि हम लोगों ने इसका बेस बनाया है, तो हम लोगों ने इसका टाइल्स भी लगभग पूरा लगा दिया है और अभी थोड़ा सा बाकी है। और अभी मैं इसको दिखाता हूँ कि हमने कितना लगाया है टाइल्स। यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा है, इसलिए वीडियो ठीक से बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी हम लोग आपको बताते ही रहेंगे कि हम लोग कैसे टाइल्स लगा रहे हैं। बाकी यहाँ पे सारी टाइलें कैंपस से लग रही है, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कितनी। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट भी आप लोग ज़रूर करना। तो दोस्तों, हम लोग आज छत का पूरा बेस बना रहे हैं, कल से इसमें टाइल लगेगा। और हमारे मिस्त्री जी लगे हैं बेस बनाने में। ये देखिए, ये अभी इसका ठीहा मार के पट्टा मारा गया है। अच्छा। और अभी हम लोगों ने सिर्फ इसको पट्टा मार रखा है, इसके हिसाब से भी फिर मसाले डालेंगे। और क्रेशर भी इतना सारा चढ़ गया और अभी चढ़ाया जा रहा है। और इतना पूरा टाइल से लगानी है, तो हम लोगों ने इसका स्लोप 4 इंची उठाया है यहाँ से लेके वहाँ तक, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है। और रोड़ी भी बहुत बढ़िया से डाल रखा है अगले ने, थोड़ा भी ऊंचा नीचा नहीं है, और माल भी बहुत बढ़िया से आ रहा है इसमें। और अभी तो लंच हो गया है, सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं। बाकी आज इतना हम लोग पूरा बेस बना देंगे, और इसमें कल से टाइल लगानी स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, हम लोगों ने इतना सारा कच्चा कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बढ़िया से पूरा इसका बेस बना दिया है। और अब इतना छोड़ रखा है क्योंकि इसको अभी हम लोग शाम के टाइम करेंगे। और अभी तो हमारा लंच हो गया है, हम लोग लंच करके भी जा रहे हैं। और अभी आप लोग देखिए, शाम का टाइम हो चुका है, तो हम लोग वो जो छोड़ रखे थे हम लोग वही अब कर रहे हैं, उसी का बेस बना रहे हैं। और अभी इसको भी हम लोग बेस बना के पूरी तरह से तैयार कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल जो छूटा है पीछे जो आप देख रहे हैं उसको भी हम लोग करेंगे। अभी इतना सारा हम लोगों ने छोड़ रखा है, तो इसको हम लोग कल करेंगे। और अभी हम लोग आज बस इतना ही करेंगे, और कोठी काफ़ी बड़ी है। ये मिस्त्री जी कह रहे हैं कि इनका फोटो नज़दीक से लो। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी दिखाया था कि हम लोग बेस बना रहे हैं टाइल्स लगाने का, और हमने ये पूरा बना दिया। कल आधा किया था और आधा आज, और यहाँ पर भी इधर भी पूरा हो चुका है, और इतना इतना सारा रह चुका है। और अभी अंतर भी है थोड़ा, वो भी करना है। और हाइड्रोलिक मशीन से हम लोग अभी चढ़ा रहे हैं क्रेशर। और सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग टायर लगाना स्टार्ट कर चुके हैं, और हम लोगों ने लगा भी दिया है यहाँ तक। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक टाइल्स लगा दिए हैं, और आगे भी अभी हम लोग लगा रहे हैं टाइल्स को। और हमारे मिस्त्री जी लगा रहे हैं टाइल्स, क्योंकि काफ़ी धूप है, तो उन्होंने देसी जुगाड़ लगा के अपना टोपी बनाया है। टाइलिया पे ना दौड़ो, बाहर टाइलिया पे ना दौड़ो, काहे धूप काफ़ी है बाहर। और टोपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अभी टाइल्स लगा रहे हैं, ग्रुप में लग रहा है टाइल्स, इसमें 3 mm का ग्रुप दिया गया है टाइल्स में। जितने बोलबो हम उतने मुहा लगा लेके जाब लग रहा है टाइल्स। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोगों ने टाइल्स लगा दिया है, ये हम लोगों ने 3 दिन में लगाया है यहाँ से लेकर वहाँ तक। इसमें काफ़ी मेहनत लगा, भी लगातार काम चला, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा नहीं, लेकिन हम लोगों ने नाइट भी इसमें मारा है ओवर टाइम।
और इसमें 2x2 की टाइल्स है और 3 mm का ग्रुप है इसमें। उतना सारा छोड़ रखा है, उसको हम लोग कल लगाएंगे। और मैट में टाइल्स है, ये मैट में टाइल है और इसे हम लोग केमिकल से लगा रहे हैं। ये मपई का केमिकल है 25 kg का। और 1x2 की टाइल्स है कजारिया की, वो भी 2x2 की कजारिया की है। हम लोगों ने रूम भी लगाया है, इसमें 1x2 की है टाइल्स, इसमें ग्रुप नहीं है। बाकी ये टाइल काफ़ी बैंड है छोटी होने के कारण, तो काफ़ी दिक्कत हुआ लगाने में। और हम लोग इसका भी बेस बनाने वाले हैं, एक क्रेशर है, जल्दी इसका भी बेस बन के इसमें भी हम लोग टाइल्स लगाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।